तो चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ। दोनों ही टीम को बताना चाहता हूँ, और आज की जितनी भी टीम है, अगर साइड हम का दो नो देते हैं अंपायर, तो पूरा मैच वो बैंड रहेगा बॉलर। आप सभी को ये बात ध्यान रखना है, फास्ट के नो पे कुछ नहीं है शानू, साइड हम का नो। और इब्राहिम अगर उधर बॉल लगता है और बाहर आता है तो भाग के लेने का, ये सभी टीम को मालूम है। और यहाँ पे भी बॉल वही, बाहर आया तो भाग के लेंगे, अंदर आया तो ही डिक्लेयर है। चलते हैं मैच की तरफ। एक बॉल 7 रन, अरबाज काफी महंगे साबित होते हैं अब तक के। लेग अंपायर इरफान, साइड अंपायर रेहान शाह, मेन अंपायर फरहान शाह, लेग और हमारे मेन अंपायर जो है जावेद भाई। चलते हैं मैच की तरफ। बहुत महंगे साबित होते हैं अब तक के। बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग उमर की। 2 बॉल 8 रन खर्च करे अपनी टीम के लिए। और जो कि ये टूर्नामेंट में कुछ अलग रूल निकला है, ओनर को कंपलसरी बैटिंग करना। तो माहिरा कस्बा की तरफ से आए हैं बैटिंग करने के लिए फैयाज। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे, और मैं सभी को बताना चाहता हूँ, कोई ओनर को हल्के में नहीं रहेगा, क्योंकि कल 2 ओनर को मैन ऑफ द मैच मिला है, और ओनर ही है मुदस्सिर सरकार, जो टॉप रन स्कोरर पे चल रहे हैं अब तक के इस टूर्नामेंट में। बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन वहाँ पे सरप्राइज पैकेज में मुदस्सिर सरकार आए जरूर। बहुत ही अच्छी बैटिंग करे कल उन्होंने, अपनी टीम को क्वालिफाई किया। उनके आइकॉन अभी भी यहाँ मौजूद है, इरफान। अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, और वहाँ पे शाहरुख से मिसफील्डिंग होते हुए। बहुत कम देखने मिलता है शाहरुख जैसे प्लेयर से मिसफील्डिंग होने में। 5 बॉल 10 रन, बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पे अरबाज द्वारा। अरबाज जो कि एक टैलेंटेड गेंदबाज, फ्रेंड सीसी की तरफ से खेलते हैं। लो फुल टॉस गेंद, कैच का मौका, और बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे शाहरुख का। हमने पहले ही कहा था बहुत कम देखने मिलता है शाहरुख से मिसफील्डिंग होते हुए, और उतना ही अच्छा कैच। और यहाँ पे कोई भी टैलेंट दिखाता है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट फील्डर, सभी को कुछ ना कुछ प्राइज है। और जिम के तरफ से भी उनको जरूर जिम फ्री है। और केबी फाइटर्स के ओनर बासिश शेख आ चुके हैं, और मैं बताना चाहता हूँ उनका एक प्लेयर रत्नागिरी से अभी तक आया नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कोई भी प्लेयर हैट्रिक लेता है, हैट्रिक सिक्सेस पे और या फिर हैट्रिक विकेट पे, तो आज फाइनल डे, फाइनल मैच के बाद जरूर उन्हें प्राइज दिया जाएगा कमिटी से 500 रुपया। और ये हर मैच में वैलिड है ये स्कीम, जो कि फरहान शाह की नवी स्कीम UMPL Season 5 2023। अब तक के 5 टीम का मैच हो चुका है, जिनमें से 2 टीम कौसागांव स्टार्स और सरकार है। 2 टीम कल के हाफ से कॉली जरूर हुई है, कल का दिन बहुत ही अच्छा गया, बहुत जल्दी मैच समाप्त हुए। फरहान अगली गेंद, 1 बॉल 12 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, बहुत ही अच्छा कैच वहां पे फैयाज के रूप में, जरूर विकेट का पतन हुआ है। और इब्राहिम दलवी सामना करेंगे अयूब, बहुत ही दिशाहीन गेंद। अयूब जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है अयूब, इनके बल्ले से अगर स्ट्रोक निकलता है तो गोली की तरह जरूर जाता है बॉल। अगली गेंद लेके तैयार इब्राहिम दलवी, सामना करेंगे अयूब खान। बहुत ही अच्छा शॉट, और अभी अभी हमने जरूर बताया था अगर अयूब के बल्ले से बॉल निकलता है तो गोली की तरह जाता है, और वहीं पे कोकनी जाते हैं फील्डर से। थोड़ी सी मिसफील्डिंग शायद तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे शॉट अयूब का। दिशाइन गेंद एक और इब्राहिम की, इब्राहिम थोड़े से अपनी दिशा से भटकते हुए, लाइन और लेंथ से दूर होते हुए, थोड़ा सी कान बनता जरूर दिया अरबाज ने। बहुत ही अच्छी टीम दोनों ही, एक तरफ जकी चैलेंजर्स और दूसरी तरफ कस्बा माहिरा। बहुत ही अच्छी गेंद, कैच का मौका वहां से रोहित से कैच छूटा, अयूब जैसे प्लेयर का कैच छूटा, देखना चाहिए कितना भारी पड़ता है। जकी चैलेंजर्स के ओनर रिजवान भाई जो कि यहाँ मौजूद फिलहाल है नहीं। अगली गेंद लेके तैयार, और बहुत ही अच्छी गेंद, और उतना ही अच्छा कैच यहाँ पे। फैज को डगआउट के रूप में, डगआउट के बाद वापिस जाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ एक और न्यूज आप लोगों को, 15 मिनट में अगर आपकी इनिंग समाप्त नहीं होती है, या टाइमर है 15 मिनट में, अगर इनिंग समाप्त नहीं होती है तो एक प्लेयर बाउंड्री के आगे आएगा। तो सभी टीम को ये बात ध्यान रखना है, और ये रूल कर भी था, और जरूर लाइन के आगे आएगा एक प्लेयर। हमारे अंपायर फरहान शाह जरूर बता रहे लाइन के आगे आएगा एक प्लेयर,
तो सभी को यह बात ध्यान रखना है, 15 मिनट में अगर आपकी टीम ये ओवर कंप्लीट नहीं कर पाती, यानी कि 4 ओवर पर ओवर 4 मिनट का ओवर रहेगा पर, और ये कल भी हो चुका है और कल जरूर खामियाजा भुगतना पड़ा था सामने वाली टीम को। स्कोर 4 बॉल 19 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। अब आया सुशांत, नो बॉल, यस नो बॉल। इसके बाद स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन और नो बॉल पे स्ट्राइक चेंज है, स्ट्राइक चेंज है अगर डिक्लेयर जाता है तो, 1D पे स्ट्राइक चेंज है। 4 बॉल 21 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग अरबाज की, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग इब्राहिम की, जरूर 15 रन खर्च किए लेकिन 2 बड़े विकेट। फैज और सुशांत जैसे बल्लेबाज को पवेलियन के रूप में भेजा है। इब्राहिम आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 7 मिनट बाकी आपकी टीम का, तो ये बात जरूर ध्यान रखना है, 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा क्योंकि वो बैट्समैन आने जाने में वो फटान सब मिला के 7 मिनट बाकी है, तो ध्यान रखना ये बात का इब्राहिम और सामने वाली टीम फैज आपको भी, अगर 15 मिनट में आपकी इनिंग खत्म नहीं होती है तो फिर आपको जरूर। बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट बॉल अदनान, जो कि लाइन और लेंथ में परफेक्ट गेंदबाजी करते हैं, थोड़े कुछ टूर्नामेंट में जरूर उनकी गेंदबाजी इतनी कारगर साबित नहीं हुई है। अय्यूब 5 बॉल के अंदर जरूर 3 बड़े झटके लगे हैं मायरा कस्बा को, मायरा कस्बा जो कि खालिद भाई और फिरोज अबूडी की टीम है, दोनों ही मौजूद नहीं है इधर। आप आए हैं अय्यूब की जगह लेने नूर, नूर की हम बात बताना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और यंगस्टरों में नूर जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बल्लेबाजी तो देते ही है लेकिन शाहरुख अंपायर देखेगा, अंपायर अपना डिसीजन देगा। शाहरुख चलिए अंपायर का जो डिसीजन देगा वो डिसीजन देंगे, यहाँ पे जरूर सेजान ने पकड़ा है कोकनी को। क्या है 2 रन की पेनल्टी, ये जरूर ये बाद में ऐड होंगी, बहुत ही अच्छा सेजान ने पकड़ा है जरूर। क्या अदनान कोकनी, क्योंकि शेजान बाकू भी जानते हैं, यश फरहान शाह पकड़े सॉरी, अदनान बाकू भी जानते हैं क्या ये 2 रन भारी पड़ेंगे जरूर। नूर जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हो, पहली गेंद बड़ा हिट मारना चाहते थे, बैट का संपर्क सही से नहीं हुआ, वाइड थ्रो, बहुत वाइड थ्रो कर जाएगा इब्राहिम दलवी का वहां पे। और अगर जिसके नाम को ट्रैक बराबर आ रही है तो उसको ट्रैक पहनना कंपलसरी है,
अगली गेंद, ओ हो, ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। यहाँ पे कोकनी जरूर गुस्से में बॉल डाल रहे थोड़ा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अब्यूज करते हैं ग्राउंड पे तो उसके लिए भी पेनल्टी है, चाहे वो अपने टीममेट को करो या फिर सामने वाले को करो। 5 मिनट जरूर बाकी है, अभी भी 9 गेंद आना बाकी इनिंग की। ओहो व्हाट ए बॉल, अदनान कोकनी। और यहाँ पे इराकी वॉरियर्स के आइकॉन आदिल लद्दा भाई का हार्दिक स्वागत UMPL Season 5 Day 2 में। और Day 1 की हम बात नहीं कर रहे तो ही अच्छा है, चलते हैं मैच की तरफ। एक और फुल टॉस गेंद और कोकनी बैक टू बैक 3 बॉल डॉट। और मैं बताना चाहता हूँ इब्राहिम को, क्या अब्यूज करते हैं आपके टीममेट या आपके टीममेट खुद को अब्यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे। और यहाँ का रूल हम बताना चाहते हैं, अगर बॉल जाके अटकता है तो ही डिक्लेयर है, कोई चीज में अटकता है या टेबल के नीचे फंसता है बॉल तो ही डिक्लेयर है। और मैं बताना चाहता हूँ अब्यूज 27 लॉस्ट ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर। मैं सभी को बताना चाहता हूँ अब्यूज और शाहरुख बंगाली का भी हार्दिक स्वागत। शाहरुख जो कि बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, उमर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग होते हुए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे अजहर लाला, व्हाट ए बॉल और उतना ही अच्छा शॉट, वहां पे 4 रन जरूर मिलेंगे शेजान के बल्ले से। और मैं बताना चाहता हूँ अब्यूज डिसिप्लिन क्रिकेट में जरूर जरूरी है, तो अब्यूज किसी को ना करें। अगर अंपायर सुनते हैं तो पेनल्टी, उसके बाद आर्ग्यूमेंट कोई नहीं करेगा, वरना नेक्स्ट मैच में भी पेनल्टी है। ओहो हो कैच छूटा इब्राहिम दलवी से, बहुत कम देखने मिलता है इब्राहिम जैसे फील्डर से कैच छूटते हुए, जो कि बहुत ही अच्छे आइकॉन लीग मैचेस का जरूर इन्हें बादशाह कहा जाता है, और जरूर हम परफॉर्मेंस भी उनका वैसा ही देखेंगे बैटिंग में, जरूर हम परफॉर्मेंस भी इब्राहिम का वैसी हम आशा चाहेंगे का वैसी परफॉर्मेंस है। टॉस के लिए आना है केबी फाइटर्स के ओनर और थर्टी नाइन रनों का लक्ष्य पेनल्टी मिला के। हेलो हेलो हेलो, तो मैं माफी चाहता हूँ, अभी तक 5 रन की पेनल्टी है, वो अभी अभी पता लगा है ना, इनकी टीम का ओनर नहीं है। टॉस के लिए आना है केबी फाइटर्स के ओनर और शयान 11 के ओनर, दोनों ही टीम को टॉस के लिए जरूर आना है। टोटल 5 रन की पेनल्टी, 1 मिनट सलमान में वीन है अभी 42 का टारगेट, तो जरूर ये 5 रन मुफ्त में मिले, मुफ्त में नहीं कह जाएगा ये ओनर की गलती है, लेकिन टाइम पे मौजूद नहीं है जबकि चैलेंजर के जरूर खामियाजा भुगतेंगे, जरूर 1 बजे उनकी ट्रेन लैंड होने वाली थी प्लेटफॉर्म पे। चलो जल्द से जल्द चालू करना है,
मैं एक और बार माफी चाहता हूँ, 3 ही रन माइनस होगा क्योंकि आप लोगों को भी को 2 रन की पेनल्टी जरूर मिली है। अगर 3 ओवर आपका प्लेयर आता है तो पेनल्टी नहीं है। चलिए मैच का टाइमिंग चालू हो गया है। फैस आपको ध्यान रखना है, 15 मिनट में अगर आप खत्म नहीं करते तो एक फील्डर बाउंड्री से आ जाएगा क्योंकि आपकी टीम में सुशांत भी है। इब्राहिम 42 का लक्ष्य आपको पकड़ के चलना है। अगर 3 ओवर तक उनके फील्डर नहीं आते तो वो लक्ष्य 40 का होगा। टॉस के लान है। चलिए मैच चालू करो। टॉस के लान है केबी फाइटर, अगर आप लेट आते तो पेनल्टी आपको 3 रन की। चलिए मैच चालू करना है। 42 रनों का लक्ष्य पकड़ के चलना है। अगर 3 ओवर तक फील्डर नहीं आता है तो 40 रनों का लक्ष्य ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहली गेंद सुशांत बड़ा हिट यहाँ पे लगाना चाहते थे आफ्ताब, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। और एक तरफ से तो देखा जाए तो फायदा ही है ये जगी चैलेंजर को, उनके ओनर नहीं है तो, क्योंकि सिर्फ 3 रन की पेनल्टी मिली है, लेकिन ये 3 रन का नुकसान भी हो सकता है जरूर, देखना चाहिए आगे क्या होता है। बहुत ही अच्छा शॉट का मौका और यहाँ पे कैच छुट्टे हुए और रन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी क्योंकि जरूर इब्राहिम को पता है अगर वो टिकते हैं तो ये मैच।
चलिए बॉलर बैंड ये मैच के लिए। बॉलर बैंड चलो बॉलर बैंड फैस, जो कि जरूर आज सभी को मालूम पड़ेगा कि बॉलर बैंड कैसे होते हैं। यस डेड बॉल, बहुत ही अच्छे अंपायर हमारे समीर भाई, जो कि जरूर। और ये टूर्नामेंट में पहला बॉलर बैंड हुआ है फैस फैस खान, जो कि आगे जाके सबको ध्यान रखना है सभी टीमों को, क्योंकि जरूर हमारे अंपायर जावेद भाई बहुत बेहतरीन अंपायर। नो बॉल, यस अब काय का दिया ये नो बॉल जावेद भाई ने, लाइन का घास पे क्योंकि बॉल गिरा था ये। अब किए 18 गेंदों पे 27 रन इब्राहिम, अभी भी एक और नो बॉल दिशाहीन गेंद। 8 मिनट सभी आपको ध्यान रखना है, मायरा कस्बा 8 मिनट बाकी आपकी टीम के खाली, और अभी भी तीन ओवर डालना है। वाइड बॉल, एक और वाइड दिशाहीन, बैक टू बैक तीन बॉल, और सबको वैल्यू पता चलेंगे टाइम की, टाइम क्या होता है इस टूर्नामेंट में। बहुत ही अच्छी गेंद, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अगली गेंद, एक बॉल 18 रन, नो बॉल, हाथ का नो। हेलो भाई, ये फेस का नो था। और देखिए अय्यूब, और देखिए इब्राहिम, रन हो सकता था ये, लेकिन इब्राहिम ने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस रन को लेने में। बॉल, दो बॉल अब तक के अय्यूब मेरे ख्याल से 6 या 7 बॉल डाल चुके हैं, लेकिन लीगल डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 2 थी। और देखिए सलमान मेंडा उर्फ शाहिद लाला, जो कि अभी 26 और 27 तारीख को एक और टूर्नामेंट है KPL, उनमें सलमान भाई की टीम जरूर देखने मिलेगी। चलिए अरबाज, आपको भी पानी पीना है? नहीं ना, तो जाइए उधर। ब्रो इस मैच को तुझे जीतना है। और देखिए बड़ा हिट, 6 रन, चार बॉल 27 रन। और देखिए सलमान भाई,
और देखिए अरबाज ओवर, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। जायद भाई टाइम कितना बचा है इन लोगों का, 12 गेंदे 12 रन, अगर एक ओवर के बाद प्लेयर नहीं आता तो 10 रन, 4 मिनट। और मायरा कस्बा के कैप्टन फैज, आपको ध्यान देना है 12 बॉल आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में करना है। सिर्फ स्कोर बताया जाएगा, अजान हो रही है। हेलो हेलो, 1 2 चेक। भाई स्कोर हो गया है, जकी चैलेंजर ने इस मैच को जीता। हेलो, बुला लेता हूँ इब्राहिम, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है भाई आप।